हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हम लोग अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो सीरीज़ हम लोग के चल रहा है उसके कंटिन्यूएशन में आज हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। हम लोग पहले के वीडियो में डिटर्मिनर पढ़े, नाउन पढ़े, प्रीपोजिशन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े, आज हम लोग वर्ब पढ़ेंगे। दोस्त, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, वर्ब क्या होता है? आप लोग बोलेंगे, सर वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। दैट्स ट्रू। वर्ब वैसे शब्द को बोलते हैं जो किसी काम को करने या होने का बोध कराता है। करना मतलब क्या होता है दोस्त? जब हम कोई काम करते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, यानी पढ़ना, लिखना, बोलना, कूदना, उठना, बैठना, ये क्या है? ये हमारा वर्ब है, काम का करना सिखा रहा है। काम का होना मतलब क्या होता है दोस्त? काम का होना मतलब जैसे सड़क बन रही है, ठीक है, खेत जोत रहा है, काम तो हो रहा है ना दोस्त, हम नहीं कर रहे हैं बट काम वहाँ हो रहा है। सड़क बन रही है, हम नहीं कर रहे हैं बट बन रही है। जब कोई टीचर आपसे पूछते हैं, क्लास में आते हैं, पूछते हैं, बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ सर, सॉल्व हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? टीचर नहीं कुछ कर रहे हैं बट वह काम हो रहा है। इसका मतलब क्या निकलता है? जब किसी शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध होता है तो हम लोग उसको वर्ब बोलते हैं। ये जो पता है वर्ब शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ? इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द वर्बम से होता है। लैटिन शब्द वर्बम से हुआ। वर्बम का मतलब क्या होता है? लैटिन में इस शब्द का जो मतलब होता है, जो एक सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस इज नोन एज वर्बम इन लैटिन। ओके, एंड दैट वर्ड इज वर्ब दीज डेज। आजकल हम लोग उस वर्ड को वर्ब बोलते हैं दोस्त, क्योंकि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है दोस्त। देर इज नॉट अ सिंगल सेंटेंस विदाउट वर्ब, नॉट अ सिंगल सेंटेंस। यू कांट इवन इमेजिन कि देर वुड बी एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब। इवन अ सिंगल वर्ड सेंटेंस कम, गो, सिट, सब एक सेंटेंस है, अपने आप में एक अर्थ दिखाता है, लेकिन दोस्त वो क्या है? वर्ब से ही बनता है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। इसलिए क्या बोला जाता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस, जिसको हम लोग वर्ब बोलते हैं दोस्त। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइप्स ऑफ वर्ब। बहुत सारी किताबों में दोस्त वर्ब का बहुत सारा टाइप लिखा हुआ है। आप कहीं पर देखेंगे एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, कहीं आप लेक्सिकल वर्ब देखेंगे, कहीं फाइनाइट वर्ब, कहीं इनफाइनाइट वर्ब, कहीं ट्रांजिटिव वर्ब, कहीं इनट्रांजिटिव वर्ब, बहुत सारा वर्ब लिखा रहता है। हम आपको एक नट सेल में बताना चाहेंगे, ये कुछ वर्ब्स हैं जो हम लोग यहाँ लिख कर रखे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आर थॉट्स, एक्सप्रेसिंग आर व्यूज, यहाँ पर हम लोग इसके थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं जो आपको समझने में हेल्प करेगा। ये सारा जो सेंटेंस है ये हमारा रिटन इंग्लिश एज वेल एज स्पोकन में बहुत काम करता है दोस्त, खास करके कॉम्पिटिटिव में तो कमाल कर देगा। जैसे जो इम्पॉर्टेंट है हम उसको कंसिडर किए हैं, वैसे भी बहुत सारा होता है, हम आपको इन मीन टाइम बताते चलेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं दोस्त? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चलता है, सकर्मक, ऐसा वर्ब जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है, सकर्मक, ठीक है। जैसे मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो, यहां पर क्या हो गया? खाना किसको खा रहा है? आम को खा रहा है, मतलब मैं किसको खा रहा हूं? आम को। तो यहां पर खाने के साथ उसका ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है। अगर आप देखें, आई ईट अ मैंगो, यहां पर जो ईट है इसका जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पर देखिए मैंगो है,
यानी खाने का काम किसके ऊपर है, आम के ऊपर, यानी इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। खेलना, मैं फुटबॉल खेलता हूं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, मैथमेटिक्स सॉल्व करता हूं, मतलब क्या, मैं कुछ सॉल्व कर रहा हूं, क्या सॉल्व कर रहा हूं, मैथमेटिक्स का कुछ सम सॉल्व कर रहा हूं। इस तरह से ये जो शब्द है, मैं एक कलम खरीदता हूं, खरीदना ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, लेना देना सब ट्रांजिटिव वर्ब है दोस्त, समझना सूंघना सब ट्रांजिटिव वर्ब है। तो एक चीज हो जाता है कि वैसे वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया, अकर्मक मतलब अ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म। वैसे वर्ब जिनके साथ कर्म नहीं होता है, नहीं लगता है, उसको हम लोग अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे जाना आना बैठना उठना पहुंचना रोना हंसना, ये सब क्या है, सब हमारा अकर्मक यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब आप बोलेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब इनट्रांजिटिव की तरह काम कर जाता है दोस्त, और कभी कभी इनट्रांजिटिव ट्रांजिटिव की तरह काम कर जाता है। हम लोग उसका यूज कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हमें छोटा एग्जांपल बोलते हैं ब्रिक, ब्रिक मतलब तोड़ना, ये हमारा क्या है, अगर आप बोले तो ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर कोई ऐसे बोले द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गई, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, द ग्लास ब्रोक, हमारा यहां पर इनट्रांजिटिव काम कर देता है, ठीक है। ही ब्रोक द ग्लास, यहां पर ब्रोक क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि द ग्लास यहां पर ऑब्जेक्ट है। ही ब्रोक द ग्लास, यहां पर ब्रोक क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया दोस्त। और द ग्लास ब्रोक, यहां पर क्या हो गया, ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो आप हमसे एक सवाल पूछ सकते हैं, सर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। तो इसका पहचानने का तरीका दोस्त ऐसे होता है, अगर किसी वर्ब से, दोस्त कहीं ये फिक्स रूल नहीं है, पहले बता दें आपको ये कोई फिक्स रूल नहीं है, बस अपने समझने के लिए है, आपको समझने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वेदर दैट वर्ब इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, आपको क्या करना है उस वर्ब से क्या लगाकर प्रश्न पूछना है, ठीक है, क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे। और अगर आपको आंसर मिल जाता है, क्या का आंसर, हाँ क्या का आंसर मिल जाता है, तो आप क्या समझेंगे, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आंसर नहीं मिलता है तो आप क्या समझेंगे, इनट्रांजिटिव है। जैसे मैं खाता हूं, क्या खाता हूं, ठीक है, क्या खाता हूं, तो आप सोचेंगे मैं फ्रूट्स खाता हूं, मैं चॉकलेट खाता हूं, मैं राइस खाता हूं, मैं ब्रेड खाता हूं, मैं टॉफी खाता हूं, कुछ तो खाता हूं, इट मीन्स व्हाट, ईट जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं पटना जाता हूं, से फॉर एग्जांपल मैं पटना जाता हूं, क्या जाता हूं, यू वॉन्ट गेट आंसर। हाँ कब जाता हूं, तो भैया शाम को जाता हूं, किसके साथ जाता हूं, पापा के साथ जाता हूं, क्यों जाता हूं, घूमने जाता हूं। आपको हर सवाल का आंसर मिल रहा है, कहाँ क्यों कितने बजे, बट क्या जाता हूं का आंसर नहीं मिलता है, इट मीन्स वॉट, दैट जाना इज वॉट इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो रहा है दोस्त। अगला है कॉजिटिव वर्ब, कॉजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया, क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा यानी आप किसी को प्रेरणा देते हैं, यानी काम करने के लिए उत्साहित करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि आप काम करो, लेकिन आप बस प्रेरणा ही दे रहे हैं, पार्टिसिपेट आप नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं मैं आम खाता हूं, यहां पर खाने का काम कौन कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूं, मैं आम को खा रहा हूं, बट जब मैं ये बोलूं मैंने तुमसे प्रॉब्लम सम करवाया, मैंने तुमसे वो काम करवाया, मैंने तुमको हंसवाया, मैंने तुमको रुलवाया, मैंने ये काम करवाया, बट मैंने नहीं करा, मैंने किसी और को इंस्ट्रक्ट किया,
सो दैट यू डू दैट पार्टिकुलर जॉब. मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस आपको इंस्पायर किया वो काम करने को. ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया में इसमें डूअर खुद काम नहीं करता, करता खुद काम नहीं करता है, ये दूसरे से करवाता है. ठीक है, हम इसमें काम नहीं कर रहे हैं, किसी और से काम करवा रहे हैं. जैसे आप एग्जांपल देखें, आई मेड हिम लाफ, मतलब मैंने उसको हंसवाया. ठीक है, आई गॉट हिम टू वर्क हार्ड, मैंने उसे कठिन परिश्रम करवाया. ध्यान दे रहे हैं, मैंने उससे कठिन परिश्रम करवाया, मैंने नहीं करा, उसने करा. ग्रेट. आई हैड हिम फाइंड, मैंने उससे फाइन करवाया, मैंने नहीं किया, किसी और ने करा, बट वो हुआ, काम हुआ, बट मैंने नहीं किया. अब आपको एक चीज समझना है दोस्त, कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है गॉट से, हैड से और मेड से, तीनों से बन रहा है. यानी कि जो वाक्य है ये मेक से भी बनता है, गेट से भी बनता है. तो दोनों में अंतर क्या है दोस्त? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंसेस? इसमें अंतर ये है कि जब मेक की बात होती है, जब कोई सेंटेंस मेक से बनता है, तो उसमें कर्ता भी पार्टिसिपेट करता है, डूअर भी पार्टिसिपेट करता है. तो कैसे पार्टिसिपेट करेगा? मैंने तुमको हंसवाया. ठीक है, तो अब इसमें मेरा इसमें पार्टिसिपेशन क्या होगा? शायद ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा बात बोल दूं कि आप लोग हंसने लगें. पॉसिबल है दोस्त? मैं ऐसा बात बोल दूं कि आप लोग हंसने लगें, इट मींस व्हाट? यहां पर मेक से बनाएंगे सेंटेंस, उसका मतलब है कि मैंने भी उसमें कुछ योगदान दिया आपके हंसने में. ठीक है, लेकिन जब गॉट से, गेट से जब वाक्य बनता है, जब आप गेट से बात बनाएंगे, जैसे अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, द शाहजहां गॉट द, शाहजहां गॉट द ताजमहल बिल्ट. शाहजहां गॉट द ताजमहल बिल्ट, इसका मतलब क्या हो गया? शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया. तो शाहजहां खुद नहीं कुछ काम किया, शाहजहां कुछ नहीं किया, शाहजहां ने करवाया. समझ में आ रहा दोस्त? गेट में होता है कि जब कर्ता खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, सामने वाले से सिर्फ काम करवाता है, सामने वाले को इंस्पायर करता है, सो दैट यू डू द जॉब, दैट्स ऑल. इसका हम लोग कह रहे हैं गेट से. अब मेक से कह देंगे तो कर्ता खुद भी पार्टिसिपेट करेगा. क्लियर है दोस्त? लैक्सिकल वर्ब, लैक्सिकल वर्ब मतलब क्या होता है? वो सारा वर्ब जिसका हम लोग रूप चला सकते हैं. रूप चलाने का मतलब क्या होता है? सारा फॉर्म हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्त. भी वन, भी टू, भी थ्री, भी फोर, भी फाइव. अब आप बोलेंगे सर भी वन भी टू क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है दोस्त, अगर हम आपसे बोलें यहां पर भी वन, भी टू, भी थ्री, भी फोर, भी फाइव बोलें, तो इसका सिंपल आप समझें, अगर हम गो बोलें, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज. यानी भी फोर में क्या होता है दोस्त? भी वन प्लस आई एन जी लगता है, और भी फाइव में भी वन प्लस एस या ई एस लगता है दोस्त. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसको ये ध्यान रखेंगे. भी वन को बोलते हैं क्या? भी वन क्या बोलेंगे दोस्त? प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट, प्लूरल फॉर्म. भी टू क्या बोलेंगे दोस्त? क्या बोलेंगे? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. भी थ्री को क्या बोलेंगे दोस्त? बताइए, पास्ट पार्टिसिपल. भी फोर क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल. भी फाइव क्या बोलते हैं दोस्त? इसको बोलते हैं हम लोग, भी फाइव को, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट. क्लियर हो रहा है? एक बार हम लिख देते हैं, भी वन को क्या लिखते हैं दोस्त? भी वन को, सॉरी, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं दोस्त? पास्ट
फॉर्म ऑफ वर्ब। भी द्वितीय क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। भी फोर क्या बोलते हैं दोस्त, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्त इसके लिए हम अलग से आपको समझाएंगे, बट यहां पर हम आपको एक ब्रीफ में बता दे रहे हैं। भी फाइव में क्या बोलते हैं दोस्त इसको, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। अगर मान लेते हैं प्ले कोई वर्ब है, प्ले, तो इसको लिखते हैं प्लेड, प्लेड, इसमें आईएनजी लगा देंगे दोस्त, प्ले में आईएनजी, इसमें क्या करेंगे एस या ईएस लगाएंगे दोस्त, पी एल ए वाई एस, प्लेस। इस तरह से हम लोग सारा वर्ब का फॉर्म हम लोग लिखते हैं दोस्त। ये सब कौन करता है, हमारा लेक्सिकल वर्ब में जो मेन वर्ब हम लोग जिसको बोलते हैं, जो हम लोग सारा फॉर्म चलाते हैं, वो हमारा हो जाता है दोस्त। एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब किसको बोलते हैं दोस्त, मतलब लेक्सिकल वर्ब के अलावा जो वर्ब होता है वो हमारा एक्सुलरी वर्ब कहलाता है। ठीक है, बहुत सारे जगहों पर इसको सहायक क्रिया भी बोली जाती है, हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, बी का सारा फॉर्म चलता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब लिखते हैं, डू, हैव, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, सारा जो होता है वो हमारा एक्सुलरी वर्ब होता है। मॉडल्स भी इसी में आते हैं दोस्त, हम लोग मॉडल का जो यूज करेंगे इसमें, वो एक अलग से हम लोग उसका वीडियो बनाएंगे, इसमें मॉडल पढ़ेंगे। ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है मॉडल, जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। अभी तो हम आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं, बाकी इसके हम अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे एक्सुलरी वर्ब का, इसमें सारा वर्ब होता है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वाक्य को निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्त। एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल किसमें करते हैं, सेंटेंस को निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। कैटेनेटिव वर्ब, कैटेनेटिव वर्ब किसको बोलते हैं, जब एक सेंटेंस में दो वर्ब का इस्तेमाल होता है, साइमल्टेनियसली हम लोग दो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कैटेनेटिव बोलते हैं दोस्त। जैसे ही केप्ट क्राइंग, मतलब वह चिल्लाता रहा, मतलब वो चिल्लाता शुरू किया और चिल्लाता ही रहा। सी केप्ट ऑन कुकिंग, मतलब वो खाना बनाती ही रही, बनाती ही रही, घर में इतने मेहमान आ गए कि उसने खाना बनाना शुरू करा और सी कीप्स ऑन कुकिंग, बनाती ही जा रही है, बनाती ही जा रही है, समथिंग लाइक दिस। फाइनाइट वर्ब, इसको हम लोग फुल वर्ब भी बोलते हैं, फंडामेंटल वर्ब भी बोलते हैं, मतलब जितने भी मेन वर्ब हैं वो सारे हमारे फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं, जिसका हम लोग फॉर्म चला सकते हैं, फुल वर्ब कहते हैं उसको, फंडामेंटल वर्ब भी बोलते हैं दोस्त। ये किसी भी सेंटेंस में पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से ये चेंज होता है, इसका फॉर्म जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन है, ही प्लेज, आई प्ले, क्लियर है दोस्त, इस तरह से इसका फॉर्म चेंज होता है दोस्त। सिर्फ इतना ही वर्ब नहीं है दोस्त, स्ट्रांग वर्ब, वीक वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब बहुत तरह का वर्ब होता है, बट जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं इन्हीं का यूज़ करते हैं दोस्त। इतना में लगभग हम लोग सारा यूज़ कर लेते हैं, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, स्पोकन में या फिर रिटन में या कॉम्पिटिटिव लेवल में जो भी हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इतना से हमारा हो जाता है। ठीक है दोस्त, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक